अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के साथ भिंडी की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि एकदम मसालेदार बहुत ही चटपटी सी बनती है और बनाना इतना सिंपल है कि जब आप इसे देखेंगे तो तुरंत बनाना चाहेंगे। यहाँ पर आप इसका लुक देख सकते हैं, देखने में भी काफ़ी लजीज दिख रहा है। तो चलिए फिर बिना देर किए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भिंडी ले लेंगे। भिंडी को दो तीन बार आप अच्छे से धो लें, उसके बाद आप इसे छन्नी में रख दें ताकि इसका पूरा पानी स्ट्रेन हो जाए, वरना फिर बहुत ही चिपचिपा सा होता है जब हम इसे काटते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसे पंखे के नीचे रखेंगे, थोड़ा सा जब वो हवा लगेगा उसके बाद हम इसे काटेंगे। और यहाँ पर हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं कि भिंडी जो है हम इस तरह से लंबे लच्छे टाइप काटते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भिंडी में जो है ना कीड़े दिख जाते हैं, तो इसलिए हम लच्छे टाइप ही भिंडी काटते हैं। तो सभी भिंडी को हम पहले इस तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी भिंडी को काट कर रेडी कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं दिख रहा है, वरना भिंडी में आप जानते हैं काटते हैं तो कैसा चिपचिपापन आता है। तो जब फैन के नीचे आप रखेंगे तो एकदम फ्रेश और इस तरह से अलग अलग लच्छे टाइप भिंडी दिखेंगी और काफ़ी जल्दी फ्राई होगा। यहाँ पर हम लेंगे एक प्याली जिसमें हम मसाले रेडी करेंगे। तो सबसे पहले 1 टीस्पून ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून लेंगे हम धनिया का पाउडर। इसी में हम 1 टीस्पून डालेंगे मस्टर्ड पाउडर, सरसों का पाउडर, तो ये भी हमें 1 टीस्पून लेना है। ये पूरा ख़त्म भी हो चुका है। सुकरे अल्ला का 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून की ही ज़रूरत है हमें। ये जो सरसों होता है इसका हमने पाउडर लिया है। तो सभी मसालों का हम पाउडर बनाकर रेडी रखते हैं। तो 1 टीस्पून हमने इसमें सरसों का पाउडर ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली और इसमें 1 टीस्पून डालेंगे तीखी वाली रेड चिल्ली। यहाँ पर मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं आप, जैसा तीखा खाते हो। 1/2 टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून हम इसमें जीरा पाउडर लेंगे और 1/4 टीस्पून लेंगे काली मिर्च का पाउडर। इसी में हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा नमक और हम ले लेंगे। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। खट्टे के लिए हम यहाँ पर नींबू ले लेंगे 1/2। आप इसकी जगह पर ड्राई मैंगो भी ले सकते हैं या फिर आमचूर पाउडर ले लीजिए। तड़के में हम ऐड करेंगे मेथी दाना। यहाँ पर हमने सारा चीज़ रेडी कर लिया है। अब हम मसालों में पानी डालेंगे और इसका हम घोल बना लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पर मसाला तो रेडी हो चुका है। अब हम गैस ऑन करेंगे। यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हम 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल। तो तेल को पहले पूरी तरह से गर्म कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसमें कटी हुई भिंडी डालेंगे। फिलहाल तो हमने गैस की फ्लेम को हाई किया है, हाई फ्लेम पर भिंडी को 2 मिनट भूनेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन हम 5 से 6 मिनट भिंडी को भून लेते हैं। वैसे भिंडी हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसमें कैल्शियम विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। बट सिर्फ इसलिए कुछ लोग नहीं खाते हैं कि भिंडी जो है काफ़ी चिपचिपा सा लगता है। तो उसके लिए आप सिर्फ 2 टिप फॉलो करें। एक तो आप इसका पानी पहले सुखा के उसके बाद इसे चॉप करें, और दूसरा कि यहाँ पर आप इसे अच्छी तरह से भून लें। यहाँ पर हमने लिड लगा दिया है, तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो लिड लगाकर हम इसे इसलिए भूनते हैं ताकि भिंडी जो है अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए और सॉफ्ट भी हो जाए, आगे हमें मसालों में लंबे टाइम तक इसे पकाना ना पड़े। तो इसलिए जब भी हम भिंडी भूनते हैं तो उसे हम कवर कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भिंडी जो है काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है और अच्छी तरह से ये भून भी चुका है, फ्राई हो चुका है। तो इस स्टेप पे हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम मसाले रेडी कर लेंगे। अब मसालों के लिए यहाँ पर हम 2 टीस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल जब पूरी तरह से गर्म हो जाए तो हम इसमें मेथी दाना डाल देते हैं। मेथी को हम थोड़ा चटकने देंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जो मसाला हमने रेडी करके रखा था। तो जैसे ही आप इसमें मसाले डालें तुरंत आप लिड लगा दें ताकि मसालों का फ्लेवर ना निकले। और वैसे भी हम जब मेथी के तड़के वाले मसाले बनाते हैं यहाँ पर, उससे काफ़ी छींटे उड़ते हैं तो जलने का भी डर होता है। तो तुरंत आप यहाँ पर लिड लगाएं। प्याली में थोड़ा सा पानी डालकर हम जो भी मसाले लगे हों वो साफ़ कर लेंगे।
लो फ्लेम पर तकरीबन हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि मसाले अच्छी तरह से भून जाएं। 4 मिनट के बाद हम लिड हटाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला जो है पूरी तरह से भून चुका है। जब मसाला इस तरह से दानेदार टाइप हो जाए तो उस स्टेप पे आप समझें कि मसाला पूरी तरह से रेडी है। तो इसी में हम फ्राई की हुई भिंडी डाल देते हैं। ऑलरेडी हमने भिंडी को 80% तक पहले ही पका लिया है, सिर्फ हमें 20% पकाना है। तो लो फ्लेम पर हम भिंडी को तकरीबन 5 से 6 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि हमें इसे लंबे टाइम तक पकाना नहीं है, ना ही ज़्यादा इसमें हमें पानी डालना है। ये सब्ज़ी थोड़ी सूखी रहती है तो ही अच्छी लगती है। वैसे आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप ग्रेवी टाइप बनाना चाहते हो तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे और लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए सिर्फ इसे कवर करेंगे। तो खास पॉइंट ये है कि जब आप इसे फ्राई करें तो आप लिड लगाकर फ्राई करें, इसे भिंडी सॉफ्ट भी हो जाएगी और आगे हमें लंबे टाइम तक इसे पकाना नहीं पड़ेगा और ना ही ये भिंडी जो है चिपचिपी सी बनेगी, तो एकदम सूखी और लच्छे टाइप बनती है। यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है, अब हम लिड हटाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं भिंडी जो है पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है, हल्का सा जो आपको लिक्विडी टाइप दिख रहा है ठंडा होने के बाद वो पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। तो इस स्टेप पे हम इसमें 1/2 नींबू डालेंगे और अगर आप खट्टा कम खाते हो तो आप नींबू हटा सकते हैं, नींबू के बिना बना सकते हैं। यहाँ पर आप इसका लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह देखते ही मुंह में पानी आ जा रहा है, इतना लजीज बनता है ये। और जब हम नींबू डाल देते हैं थोड़ा और भी चटपटा सा लगता है, बट कुछ लोग जो है खट्टा कम खाते हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, नींबू को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर भिंडी पूरी तरह से बनकर रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे बंद और हम इसे करेंगे डिश आउट। उससे पहले हम इसमें बारीक चुपके वाला थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं। तो लीजिए गाइस, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आप कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं आप लोग, वो भी हमें फीडबैक दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देखकर। और यहाँ पर हम आपको एक और टिप देते हैं, ये जो आपको ऑयल नज़र आ रहा है इसे आप निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा भी वही काम है, हम जब भिंडी बनाते हैं तो इसका ऑयल फिर निकाल कर अलग कर लेते हैं, उसमें हम दूसरी सब्जी बना लेते हैं। ये ऑयल कैसे निकालें चलिए आगे वो भी हम आपको बताते हैं। उससे पहले हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं। आप कढ़ाई को थोड़ा क्रॉस में रखिए और पूरी सब्जी को आप साइड में कर दीजिए, तो जो भी उसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल कर साइड में आ जाएगा और ये ऑयल जो है आप निकाल कर दूसरी सब्जी में यूज कर सकते हैं। बट ये ऑयल जो है आप बाहर ना रखें, फ्रिज में ही रखें। तो 5 से 10 मिनट के लिए आप जब कढ़ाई को क्रॉस में रखेंगे तो जो भी ऑयल है वो निकलते जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी ऑयल इसमें से रिलीज हो रहा है। तो इन ऑयल को हम एक प्याली में निकाल कर रख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम आप जो भी मसाले वाली सब्जी बनाएं तो आप उसमें ये ऑयल यूज कर लें, क्योंकि ऑयल में भी काफ़ी फ्लेवर होता है जब हम सब्जी उसमें बनाते हैं। तो है ना काफ़ी खास टिप, आप इसे भी फॉलो करें, इससे हमारी सब्जी भी काफ़ी लजीज बन जाती है और हमारा ऑयल भी साइड में निकल जाता है, इतना ऑयल हम खा नहीं सकते हैं। तो इस रेसिपी में हमने आपके साथ कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं, आप लोग उन्हें फॉलो करते हुए ये सब्जी बनाएं, बेहद सबको पसंद आने वाली है। तो आप लोग भी इसे ट्राई करें, फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और जब कभी भी आप इसे ट्राई करें हमें फीडबैक देना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।